साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन. एवलिन ग्लेने लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. इट साउंड्स इम्पॉसिबल टू हियर द साउंड विदाउट लिसनिंग अ साउंड विदाउट हियरिंग इट. सुने बिना सुनने की कैपेसिटी ना हो फिर साउंड हम कैसे सुन सकते हैं. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. गॉड ने क्या कर लिया है, शायद उसकी हियरिंग सुनने की जो कैपेसिटी है वो ले ली है, लेकिन उसके बदले में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको गिफ्ट किया था. What we hear, she feels, जो जो हम सुन सकते हैं वो उसे फील कर सकते हैं. Far more deeply than any of us, जो हम सुन के समझ सकते हैं उससे अच्छा वो फील करके समझ लेते हैं. She is, समझ लेती है. She is why, that is why she expresses music so beautifully. तो इसीलिए वो म्यूजिक को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती है. Read the following account of person who fought against a physical disability. Fought against a physical disability and made her life success story. उसकी life को क्या बना दिया? Success story. हमें कोई disability होगी तो हम रोगी पूरी जिंदगी निकाल देंगे. लेकिन यहाँ पे disability को उसने क्या बनाया? Success story बना दिया उसकी life. First hour crowds jostle for position on the underground train platform. बहुत सारी भीड़ भर वाला ट्रेन में भीड़ है, भीड़ के बाद सब धक्का उक्की कर रहे हैं. A slight girl, एक girl है छोटी सी, looking younger than her, 17 years, 17 से कम उम्र की लग रही, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो दिखने में तो नर्वस लग रही है लेकिन वो वाइब्रेशन अप्रोचिंग ट्रेन के जो वाइब्रेशन है उसे फील कर सकती थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी. रॉयल अकेडमी में जा रही थी, फर्स्ट डे ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. ठीक है, कोई भी जो स्कॉटलैंड से आया हुआ नई नई लड़की है तो थोड़ा घबराई हुई दिखेगी क्योंकि पहली बार रॉयल एकेडमी में जा रही थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग लेकिन उसकी इच्छा थी कि म्यूजिशियन बनना ही है, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वाज प्रोफाउंडली डेफ. वो क्या थी? डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी, बहरी थी. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. मतलब वो पहले जन्म से ही बहरी नहीं थे, धीरे धीरे हो गई. Her mother remembers nothing, remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn, जब वो 8 ईयर की थी, was waiting to play the piano. तो पियानो बजाने के पहले वो वेट कर रही थी. They called her name and she didn't move. उसका नाम लिया गया लेकिन उसने कुछ मूवमेंट दिया नहीं. I suddenly realized she hadn't heard. उसकी मम्मी को लगा कि उसको शायद सुनाई दिया नहीं है. Says Isabel Glennie, उसकी मदर है. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. थोड़ा टाइम तो उसने अपने जो deafness है उसे टीचर और दोस्तों से छुपा के रखा. But by the time she was 11, जब 11 years हुई, her marks had deteriorated, उसके marks कम होने लगे. And her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट, को स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए सलाह दी. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज
severely impaired as a result of gradual nerve damage. उसके नर्व डैमेज हो गई थी ईयर की, उसका हियरिंग क्या हो गया, इंपेयर्ड हो गया था, इंपेयर्ड मतलब वीक हो गया. They were advised that she should be fitted with hearing aids उसे पहनाए तो चलेगा, and sent to a school for the deaf. Deaf लोगों की जो स्कूल होती है, face the. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn जब पता चला कि वो पेरी हो गई है तो सब कुछ तुरंत क्या ब्लैक लगने लग गई, मतलब ब्लैक मतलब बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी. But Evelyn was not going to give up. वो गिव अप करने वालों में से नहीं थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने सोच लिया था मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और मेरा म्यूजिक का जो इंटरेस्ट है उसे मैं पर्स्यू करूंगी. One day she noticed a girl playing a xylophone. ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है xylophone. एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी and decided that she wanted to play it too. तो सोच लिया कि मैं भी xylophone बजाऊंगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist first up. A person who plays the drum and tabla और drum और जो हाथों से मार के बजाया जाता है, बजाने वाले जो म्यूजिशियन होते हैं उसे percussionist बोलेंगे. कौन था यहाँ पे, रॉन फॉक्स spotted her potential. वो समझ गया कि इस लड़के में कुछ ना कुछ दम है. He began by turning two large drums, so two large drums थे, two different notes, दोनों पे different notes बजा रहा था. Don't listen through your ears, कानों से सुनना बंद करो. He would say, try to sense it some other way. इस तरह से try करो, says Evelyn. Suddenly, ये उसको समझाया गया है रॉन फॉक्स के द्वारा. Says Evelyn क्या बोल रही है. Suddenly I realized I could feel, उसको पता चला था, I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Higher drum थे तो waist के ऊपर उसे feel हो रहे थे और lower drum इसको waist के नीचे feel हो रहे थे. Forbes repeated the exercise. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. उसके body में उसको पता चल जाता है note tone कैसी चल रही, notes कैसे. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. Sounds and vibrations को उसने accept किया उसके body में. The rest was sheer determination and hard work. और दूसरा क्या था, determination, बहुत मेहनत किया, hard work किया, उसका goal fix था, यही करना है. She never looked back from that point onwards. उसके बाद वो कभी पीछे मुड़के नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब 16 की हुई, she had decided to make music her life. Music पे उसने अपना life बनाने का सोच लिया था. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. Academy में किसी के इतने marks नहीं आए, उतने marks वो लेके आई थी. She gradually moved from orchestral work to solo. पहले orchestra में बजा रही थी, group में कर रही थी, बाद में सोलो स्टार्ट किया, अकेले परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3 साल का कोर्स खत्म किया उसने रॉयल एकेडमी में. शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, सभी अवार्ड्स उसने ले लिए थे.
And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. इतना अचीवमेंट हुआ था लेकिन कोई भी उसके ऐसा नहीं उसे फील हो रहा था कोई हीरोइक अचीवमेंट उसने हीरोइक अचीवमेंट किया हो. इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. आप मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कहाँ जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उसने मास्टरी ले ली एंड उसका शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया था बहुत बिजी रहते. It is intriguing to watch. Intriguing coming in, fascinating and curious. बहुत अच्छा लग रहा है. It is intriguing. Intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ठीक है? वो सुने बिना ही इतना अच्छा बजा लेती है. वो बहुत फैसिनेटिंग क्या देखने वाले को पसंद ही आता रहेगा. इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. दो घंटे का डिस्कशन हुआ है राइटर के साथ. तो उसमें वो डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड वर्ड मिस नहीं किया. मैन विथ उसके बारे में बता रहे हैं मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. जो उसके बियर्ड होते हैं बड़े बियर्ड ऐसे इंसानों को समझने में उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है. सीला इट इज यहाँ पे उसका पिक्चर दिखाया गया है फोन बजा रही है. इट इज इंटरव्यू टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स मतलब द बियर्ड एंड काइंड ऑफ देयर इसके लिप्स वॉच करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. सिर्फ लिप्स वॉच करना है नहीं इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज उनकी आंखें भी पता नहीं चलती क्या कहना चाहती है. शी स्पीक्स flawlessly with a Scottish lilt. उसकी लैंग्वेज थोड़ी स्कॉटिश थी स्कॉटिश को मैं भूल गई. My speech is clear because I could hear till I was 11. तब 11 years की थी तब उसे सुन सकते थे इसलिए उसे बोलना आ गया. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French. और वो फ्रेंच कैसे सीखी एंड मास्टर बेसिक जापानीज भी सीख गया था वो कैसे सीखी थी वो थोड़ा वो पता नहीं चल रहा था लेकिन उसे फ्रेंच भी आती थी जापानीज भी आती थी. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी. की बॉडी में सभी जगह से म्यूजिक अंदर आता है पोर होता है. It tingles in the skin. Skin पे tingling sense create करता है. My cheekbones and even in my hair. The cheekbones जो होते हैं और मेरे hair हैं. सभी से music, सभी music को feel कर सकते हैं. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. साइलोफोन बजाती है तब जो साउंड होता है वो स्टिक से उसे फिंगर में पास होता है. बाय लर्निंग अगेंस्ट बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स जब ड्रम के ऊपर झुकती है सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. जब ड्रम बजाती है ड्रम के ऊपर थोड़ा झुकती है
तो जो उसके वाइब्रेशंस होते हैं पूरे बॉडी पे फील होते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज, जब परफॉर्म करने जाती है जो वुडन वुड का प्लेटफॉर्म होता है अपने शूज निकाल देती है, सो दैट सी सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, फिर खुले पैरों में से वाइब्रेशन बॉडी के बॉडी में जा सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. Audience उसे सुनके खुश हो जाते हैं। In 1991, she was presented with the royal, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year का award मिला था, Soloist of the Year. 1991 says master percussionist James Blade बजा रहे हैं ये सब चीजें। James Blade क्या बोल रहे हैं, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary, ये God ने उसके hearing को ले लिया लेकिन extraordinary gift किया है। What we hear, she feels. What we hear, जो हम सुन सकते हैं, वो feel कर सकते हैं. Far more deeply than any of us, हमसे ज़्यादा. That is why she expresses music so beautifully. इसलिए वो music को अच्छी तरह express कर सकती है. James Blake इसके बारे में बता दें. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. कौन सी है workaholic, काम करना चाहिए उसे, काम के बिना तो चलता नहीं। I have just got to work, मुझे काम ही करना है। Often harder than classical musicians, classical जो musician होते हैं उसके ज्यादा work करना है। But the rewards are enormous, लेकिन उसका जो hard work करते हैं उसका reward भी ज्यादा मिलता है। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives फ्री कंसर्ट्स, वो फ्री में भी कंसर्ट करती है। इन प्रिजन, मतलब प्रिजन में जाके कैदियों को, प्रिजनर्स को फ्री में कंसर्ट सुनाती है। हॉस्पिटल्स में भी जाके सुनाती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंगर म्यूजिशियन, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके जो क्लास में जो पढ़ाना होता है या समझाना होता है या कंसर्ट कराना होता है वो ज्यादा वो पसंद करती थी। एंड Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children, क्या बता दे उसके बारे में? She is a shining inspiration for deaf children. एक चमकता हुआ inspiration है deaf children के लिए। They see that there is nowhere that they cannot go. तो पता चल जाता है कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे डेफ इंसान भी नहीं जा सकते या नहीं पहुंच सकते, वो काम नहीं वो तो नहीं कर सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. उसकी ऐसे डबल एज वाले जो जितना अचीव किया होगा उससे भी ज्यादा उसने अचीव कर लिया है। She has brought percussion to the front of the orchestra. जो percussion है उसको फ्रंट पे ला लिया, ऑर्केस्ट्रा में जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है उसके आगे रखा जाता है, जो बजाना बजा रहा है उसको। And demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. जो handicap है उसके लिए inspiration है. Inspiration to those who are handicapped. People who look to her and say, if she can do it, I can. अगर वो कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ. And not the least,
She has given innermost pleasure to millions. बहुत सारे लोगों को, millions of people को उसने pleasure music से खुश किया है. Deborah Cowley लिखते हैं, Evelyn, ये नहीं है बारे में.